सो हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A21s के बारे में। यदि उसको लॉक तोड़ना चाहते हो या फिर लॉक भूल गए हो या फिर उसे फॉर्मेट करना चाहते हो तो किस तरह से फॉर्मेट कर पाएंगे, इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखते रहना। यदि आप चैनल पे ना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल लॉक नहीं खुल रहा है। अगर लॉक तोड़ना है तो सबसे पहले अपने फोन को चार्ज में लगा देना लॉक तोड़ने के लिए। अगर बगैर चार्ज में लगाए अगर लॉक तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। उसके बाद चार्ज में लगाने के बाद सिंपल वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन दोनों को एक साथ आपको क्लिक करना है। कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, पावर बटन वॉल्यूम डाउन को छोड़ देना, वॉल्यूम अप को क्लिक करना है, यानी वॉल्यूम अप को क्लिक करना है। उसके बाद सिंपल थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद गाइस कुछ इस तरह से इंटरफेस आने के बाद पावर बटन जो है आपको छोड़ देना है। पावर बटन छोड़ने के बाद थोड़ा सा वेट करना है हम लोग को। तो गाइस वेट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। उसके बाद वॉल्यूम डाउन को क्लिक करके सिंपल यहाँ पे वाइप डाटा फैक्ट्री रिसेट लिखा हुआ है यहाँ पे चले आना है। तो सिंपल वॉल्यूम बटन क्लिक करते हैं। तो गाइस यहाँ आने के बाद सिंपल पावर बटन क्लिक करना। पावर बटन क्लिक करने के बाद यहाँ पे फैक्ट्री डाटा रीसेट पे चले आने और डाउन बटन क्लिक करके उसके बाद पावर बटन जो है क्लिक कर देना। पावर बटन जैसे क्लिक करेंगे हमारा फोन जो है फॉर्मेटिंग होना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस हमारा फोन जो है बिल्कुल फॉर्मेट हो चुका है। उसके बाद रिबूट नाउ पे क्लिक कर देना। पावर बटन जो है क्लिक कर देना। पावर बटन जैसे क्लिक करेंगे हमारा फोन जो है बंद होगा, फिर से चालू होगा। उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है हम लोग को। वेट करने के बाद सैमसंग लिखा हुआ आ जाएंगे। उसके बाद फिर से हमको वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग एंड्रॉयड लिखा हुआ है। तो जैसे आप न्यू फ़ोन खरीदते हैं न्यू फ़ोन में भी कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं, तो घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टार्ट बटन लिखा हुआ आएगा, स्टार्ट बटन आपको क्लिक करना है। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ाना है। हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल